दिल्ली मुंबई जाने में आपका जो 5,000 का खर्चा होगा, 5-10,000 में तो वैसे भी आप सामान लेके अपना व्यापार चालू कर सकते हैं हमारे यहाँ से। मौसम्बी जूस की मशीन है, पेटीज मशीन है हमारे यहाँ पे, किसी को अगर पेटीज का काम करना हो तो इसमें लगभग तकरीबन 180 पेटीज आ जाएंगे। और ये सिर्फ बंदा चाहे पॉपकॉर्न का काम चालू करना तो दिन में 1,000 रुपए कमा सकता है। ये गन्ने के जूस की मशीन है, किसी भी सब्जी में अपन इसमें दाल दे सकते हैं, किसी में भी पनीर की सब्जी दे सकते हैं। और इसमें आप 3 मिनट के अंदर अपने 10 किलो आलू छील सकते हैं, मात्र 3 मिनट में। हर तरीके के पिज्जा ओवन अवेलेबल हैं। अभी आपने जो वैरायटी की झलक देखी है तो बस कुछ झलक है। अगर आप व्यापार करना चाहते हो, सही शॉप सर्च कर रहे हैं तो आ जाइए वीपी मार्केटिंग पर। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं वेलकम बैक निर्गा फैशन की से ही। आप लोग आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम आपको लेकर चलेंगे भोपाल के बेड़ागढ़ में और लेकर चलेंगे ऐसी शॉप पर जहाँ पर आपको एक नहीं दो नहीं हज़ारों की तादाद में आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। साथ में अगर आप छोटा व्यापार करना चाहते हैं या बड़ा व्यापार करना चाहते हैं, हर व्यापार के लिए आपको मशीन मिल जाएंगी, आपको वो प्रोडक्ट मिलेंगे जो आपको मार्केट से सीधी आधी रेट में मिलेंगे और आप अपना व्यापार आराम से शुरू कर पाएंगे। वीपी मार्केटिंग आपके लिए होटल वेयर, रेस्टोरेंट, टेंट हाउस, स्कूल कॉलेज, मेस का सामान, मिक्सर, जूस, प्रेस और मोमोज की मशीन और गन्ने की मशीन जैसी कई तरह की मशीन आपको प्रोवाइड करवाते हैं सबसे कम कीमत पर, जिससे आप अपना व्यापार अच्छे से शुरू कर पाए। क्योंकि व्यापार करने के लिए, तरक्की करने के लिए सही शॉप का मिलना काफ़ी ज़रूरी होता है। और जब सही शॉप मिल जाती है तो आप तरक्की भी कर पाते हैं और आपका व्यापार ऊँचाइयों तक जाता है। और जब हमारा व्यापार आगे बढ़ेगा, हम ऊँचाइयों तक जाएंगे तो हमारा देश भी तरक्की करेगा। तो अगर आप भी तरक्की चाहते हैं, देश की तरक्की चाहते हैं, तो आ जाइए वीपी मार्केटिंग पर। स्क्रीन पर नंबर दिए गए, जल्दी से कांटेक्ट कीजिए। और इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। जी भैया, आपका परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम पवन तेजवानी है, मेरी दुकान का नाम वीपी मार्केटिंग है। हमारी एक दुकान आगे भी है बैरागढ़ में ही, तेजवानी कंपनी के नाम से। हमारी दुकान पंजाब नेशनल और एक्सिस बैंक के ठीक सामने मेन रोड पर है। हमारी दुकान का अवकाश शनिवार के दिन रहता है, लेकिन हम शनिवार भी हाफ डे दुकान खोलते हैं 12 से 4। वैसे हमारे दुकान का जो समय है वो 11:30 से 9:30 बजे तक का है। अच्छा, किस टाइप का आइटम वैरायटी रखते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ हर तरीके के रेस्टोरेंट के, किचन के बर्तन, क्रॉकरी, अप्लाइंसेस, मशीनरी, सभी तरीके की चीज़ें उपलब्ध मिल जाती हैं। आप लोगों से क्या कहना चाहते हैं? मैं लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप जितना पैसा घूमने फिरने में व्यर्थ कर देते हैं, उतने में एक छोटे खान पान का रेस्टोरेंट आपका चालू हो जाएगा, उतने में आपका एक व्यापार, एक व्यवसाय चालू हो जाएगा, जिससे आप अपनी आमदनी कमा सकते हैं। अब आइए अपन अपनी वीडियो चालू करते हैं, मैं आपको अपनी हर दुकान की चीज़ दिखाता हूँ जिससे आप अपना व्यवसाय चालू कर सकते हैं। दिल्ली मुंबई जाने में आपका जो 5,000 का खर्चा होगा, 5-10,000 में तो वैसे भी आप सामान लेके अपना व्यापार चालू कर सकते हैं हमारे यहाँ से। हमारी जो रेंज है, आप आ जाइए, हमारे पास हर तरीके की वॉफल मशीन्स मिल जाएंगी आपको, जो आपके बेकरी सेटअप में काम आएगी। हमारे यहाँ ये हमारे 4,500 की रेंज से चालू हो जाती है। हमारे यहाँ हर तरीके का आपको माइक्रोवेव ओवन मिल जाएगा, जो कमर्शियल और आपका जो सोलो मॉडल रहते हैं, डिफ्रॉस्ट वगैरह करना रहता है जिसमें। हमारे यहाँ हर तरीके के इलेक्ट्रिक सूप वार्मर मिल जाएंगे आपको, सोडा की मशीन्स मिल जाएंगी। सोडा की मशीन्स जी, सोडा मशीन ये 3,000 रुपये से रेंज चालू हो जाती है हमारी। शू पॉलिश मशीन होती है जो हर रेस्टोरेंट की लॉबी वगैरह में लगती है हमारी मशीन। इसमें आपका एक, आप घर के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी ऑफिस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ को। हमारे यहाँ केटरिंग से संबंधित हर तरीके की नई रेंज में शेफिंग डिशेस उपलब्ध हैं। अगर किसी की एक की प्राइसिंग की बात करें तो ये 4,500 से चालू है हमारे यहाँ पे गोल्डन में। यही अगर आप स्टील में जाते हैं तो 1,150 रुपये से चालू हो जाती है, वो इस तरीके की नज़र में आएंगी। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये इलेक्ट्रिक वार्मर है, फूड वार्मर है, जिसमें आप 3 तरीके के अपने सामान रख सकते हैं। जैसे आप एक फूड कार्ट पे हैं जहाँ पर छोले, राजमा और चावल का बिजनेस कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक चीज़ ऐसी है कि आप उसको बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपने 3 चीज़ें एक सामान के अंदर डाल के रख दी हैं और ये इलेक्ट्रिक से गर्म होता रहेगा, तो इसमें आपका गैस की भी बचत हो जाएगी और जो आप बार बार आपकी जो मेहनत लगेगी वो भी नहीं लगेगी, आपका एक ही दिन में काम हो जाएगा। क्या प्राइसिंग होने वाला है? ये 6,500 रुपये से चालू होता है। ठीक है, इधर अगर थोड़ी सी बात करें, क्या चीज़ें ये हांडियाँ हैं, कढ़ाइयाँ हैं,
जो अपने रेस्टोरेंट में काम में आते हैं, सर्विंग करने के काम में आती हैं, जैसे किसी भी सब्जी में अपन इसमें दाल दे सकते हैं, किसी में भी पनीर की सब्जी दे सकते हैं, तो ये नए नए अट्रैक्टिव लुक्स हैं, ये 200 रुपए से चालू हो जाते हैं। इधर अपन नीचे साइड मशीनों की बात करें, अगर अपन मशीनों की बात करें तो ये मौसमी जूस की मशीन है, इसमें आप हर तरीके का मौसमी का, पाइनएप्पल का, चुकंदर का, हर तरीके का जूस निकाल सकते हैं, बीट का। और अगर अपन इसमें बात करें तो ये कीमे की मशीन है, जिसको भी अपने रेस्टोरेंट के लिए बाहर जाना पड़ता हो कीमा करवाने के लिए, तो वो अपने रेस्टोरेंट में इस छोटी मशीन को रख के अपना काम चालू कर सकता है। क्या प्राइसिंग की? ये 9,500 की मशीन है, और जूस मशीन जो है ये 15,000 की है। और इसमें स्टार्टिंग रेंज कितनी? ये स्टार्टिंग रेंज जो रहती है, यही इनकी स्टार्टिंग रेंज है, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा छोटे साइज में चले जाते हैं, जैसे ये साइज में आ गई कीमा मशीन, तो ये 4,500 की मशीन है, लेकिन ये घरेलू उपयोग के लिए सही है। अगर हम रेस्टोरेंट की बात करते हैं तो एटलीस्ट आधे HP मोटर में मशीन होनी चाहिए, ताकि उसकी उतनी लाइफ रहे। हमारे पास सलाद कटिंग मशीन भी है, जिसमें एक घंटे में तकरीबन 150 किलो अपन सलाद काट सकते हैं। तो ये केटरिंग में, किसी भी रेस्टोरेंट में हम अगर जा रहे हों, तो ये सलाद कटिंग मशीन से हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा, और हमें किसी भी स्टाफ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। ये 15,000 की मशीन है। हमारे पास हर तरीके के पिज़्ज़ा ओवन अवेलेबल हैं, चाहे आप छोटे साइज में जाना चाहते हैं, चाहे आप बड़े साइज में जाना चाहते हैं, चाहे आप स्टोन वाले में पिज़्ज़ा ओवन में जाना चाहते हो, हमारे पास हर तरीके का पिज़्ज़ा ओवन अवेलेबल है। 8,500 रुपए से रेंज चालू है हमारे पास, 1.5 लाख रुपए तक प्राइसिंग है हमारे पास, क्योंकि बड़े बेकरी के ओवन्स भी रहते हैं, तो उसमें भी काम में आ जाती हैं ये सारी चीजें। 8,500 वाला ये है मॉडल। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए, आगे बढ़िए अपन। हमारे यहाँ बेकरी के क्रीम मिक्सर, जो कि लोगों को काफ़ी मशक्कत करने के बाद मिलता है, ऑनलाइन भी काफ़ी लोग ढूंढते रहते हैं इसको, तो काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस में रहता है। 20 लीटर का जो हमारा मिक्सर है ये 30,000 रुपये का है, और जो 30 लीटर का हमारा मिक्सर है ये 36,000 रुपये का है। यही मैदा के लिए भी मशीन रहती है, मैदे का या आटे का काम करना हो तो उसको स्पाइरल मिक्सर बोला जाता है। ये 10 लीटर में 36,000 से चालू हो जाता है। 10 से 36,000। हाँ जी। इधर क्रॉकरी की बात करें, यहाँ अगर मैं क्रॉकरी की बात करूँ तो 60 रुपए से इस तरीके की डिशेस चालू हो जाती हैं, प्लास्टिक में, मेलामाइन में, एक्रेलिक में, ये 60 रुपए से डिशेस चालू हैं। 350 रुपए तक का प्लेटर आता है इसमें। और अगर मैं बात करा जाए किसी काट वगैरह को खोलने की, तो आजकल शौरमा का जो काट है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल चल रहा है, जो चिकन शौरमा और पनीर शौरमा की मशीनें बिक रही हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये किफ़ायती है। ये मशीन हमारी 24,000 रुपए की है। 24,000? हाँ जी। अच्छा, जैसे 24,000 रुपए की कोई मशीन लगाता है तो क्या अर्निंग कर लेता है? दिन भर में वो 7,000 से 8,000 रुपए का धंधा कर लेता है शौरमा के एक कार्ट से लगा के, क्योंकि अगर 100 रुपए का भी एक शौरमा है तो 70-80 शौरमा बिकना कोई कोई भी मुश्किल वाली कहानी नहीं है उसके लिए। लोगों के 150-150 200-200 शौरमा भी बिक जाते हैं, लेकिन मैं इनिशियल स्टार्टिंग की बात करूं तो 70-80 शौरमा मिनिमम बिक जाते हैं किसी भी बंदे के। ठीक है, ये हॉटपॉट है, आपको कहीं कैरियज के लिए खाना लेके जाना है, किसी केटरिंग में खाना बच जाता है, लोग बाग दूसरी जगह पे शिफ्ट कर लेते हैं, मंदिरों में उपयोग में आता है, आर्मी सेंटर वाले जो हमारे भाई लोग हैं वो इसको ले जाते हैं, क्योंकि काफ़ी देर तक इसके अंदर 12 घंटे तक खाना गर्म रहता है। ठंडा डालेंगे ठंडा रहेगा, गर्म डालेंगे गर्म रहेगा। ये 2400 का होता है 10 लीटर में। इसी का कम प्राइसिंग में अगर दूसरे ब्रांड में बात करूं तो 5 लीटर में ये इस ब्रांड में चालू हो जाएगा, वो 1450 रुपए से रेंज चालू हो जाती है। ऊपर की बात करें, अगर मैं ऊपर की बात करूं तो ये पेटीज मशीन है हमारे यहाँ पे, किसी को अगर पेटीज का काम करना हो तो इसमें लगभग तकरीबन 180 पेटीज आ जाएंगे, और ये सिर्फ 3500 रुपए की मशीन है। जी, इसकी लाइफलाइन ऐसी है कि ये एक कॉइल के ऊपर निर्भर रहती है, और वो कॉइल मुश्किल से 200 रुपए की आती है। साल, दो साल, तीन साल में हम अगर इस चीज़ को साफ सुथरा नहीं रखते हैं, इसके अंदर पफ गिरता रहता है, तभी वो चीज़ ख़राब होती है, वरना इतना जल्दी ये चीज़ ख़राब नहीं होती। हम अगर ये क्या चीज़ है, ये भी पेटीज वार्मर ही है, इसमें पेटीज, बर्गर, हॉट डॉग, किसी भी तरीके का गरम जो स्नैक्स है वो अपन रख सकते हैं, चाहे समोसा हो, चाहे कचौड़ी हो, कोई भी चीज़ रख सकते हैं। क्या प्राइसिंग होने वाला है? ये वाला आएगा 12,000 रुपये का।
पॉपकॉर्न की मशीन है, कोई बंदा चाहे पॉपकॉर्न का काम चालू करना तो दिन में 1000 रुपये कमा सकता है 8,500 की मशीन लेके, दिन भर में 1000 रुपये कमा सकता है। फिर अगर हम इसकी बात करें तो ये साइलेंट वाले ब्लेंडर हैं जिनमें कोल्ड कॉफ़ी शेक्स और आपके मोहितो मॉकटेल्स वगैरह में ये काम में आते हैं। चाहे इसमें मैंगो शेक वगैरह भी बना सकते हैं, किसी भी तरीके का ब्लूबेरी शेक बना सकते हैं इसके अंदर। ये 8,500 रुपये से रेंज चालू हो जाती है हमारे यहाँ पे। ये इलेक्ट्रिक वाटर बॉयलर और इलेक्ट्रिक टी बॉयलर है। जो बंदा बार बार पानी को गर्म नहीं रख सकता या चाय को गर्म नहीं रख सकता तो ये बिजली के उपयोग से इसको गर्म रखा जा सकता है। ये 4,500 से रेंज चालू हो जाती है इसकी। 12 लीटर से लेके 32 लीटर तक का मॉडल आता है इसमें। ये इधर एक कुकर पड़ा हुआ है, ये इंडस्ट्रियल कुकर है हमारे। हाँ। ये 30 लीटर का कुकर है। हाँ। ये 4,500 रुपये से चालू है। हाँ। और 16,500 तक जाता है। हमारे पास 100 लीटर तक का कुकर अवेलेबल है। ये नीचे जो मशीनें रखी है ये कॉफी मशीन्स हैं, इसको एक्सप्रेसो मशीन्स भी कहा जा सकता है। आपने चाय सुट्टा बार या आपने अपने एरिया में हर जगह पे कॉफ़ी शॉप्स देखे होंगे जहाँ पर एक्सप्रेसो मशीन से कॉफ़ी बनाई जाती है। अलग अलग तरीके की कॉफ़ी और चाय के फ्लेवरिंग आप इसके अंदर बना सकते हैं। क्या प्राइसिंग क्या स्टार्ट होता है? ये 11,500 से चालू होती है। ये इसका बड़ा मॉडल है, ये 14,500 का है। और अगर आप इस पे आते हैं तो ये 16,000 का मॉडल है। ठीक है, नेक्स्ट मशीन आपके पास में जो मशीन रखी? ये आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो आलू छिलने में बड़ी दिक्कत आती है। समोसे का काम जो है हमारे एमपी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये 10 किलो की आप आलू छिलने की मशीन लेते हैं, 17,000 रुपये की आती है ये। और इसमें आप 3 मिनट के अंदर अपने 10 किलो आलू छील सकते हैं, मात्र 3 मिनट में। ये गन्ने के जूस की मशीन है। आपने पुराने टाइप की तो कई मशीनें देखी होंगी जो लोहे की आ रही थी, जिनमें जंग भी लग जाती थी कई बारी और गन्ना निकलने में बड़ी दिक्कत आती थी। ये स्टील की जूस मशीन आई हुई है नई। इसमें 3 रोलर दिए गए हैं अंदर, 1.5 HP की मोटर लगी हुई है इसके अंदर। और ये मशीन मात्र 33,000 रुपये की है। अगर आप एक नॉर्मल लोहे की मशीन लेके और उसमें मोटर फिट करवाते हैं तो वो भी 15-16 हज़ार से कम नहीं आती। उससे बेहतर है आप स्टील की मशीन लें। इसमें एक ही बार में गन्ना जाएगा और पूरा का पूरा गन्ना बाहर और जूस इसमें नीचे आ जाएगा यहाँ पे। अच्छा, इसमें और जो लोहे की जो मशीन है दोनों में क्या अंतर होने वाला है? लोहे की मशीन में एक तो सफाई, आप उसके अंदर देखेंगे मक्खियां चली जाती हैं मशीन के अंदर। आदमी पीने करने में बड़ा अचरण करता है अपने परिवार के साथ। ये हाइजीनिक है तो इसके अंदर आप कभी भी गन्ने का रस पियेंगे तो उसका स्वाद अलग रहेगा। अच्छा, आपके पास कितनी वैरायटी में गन्ने की मशीन है? मेरे पास गन्ने की मशीन 2 प्रकार सी है, एक इलेक्ट्रिक मॉडल में है और एक मेरे पास इंजन मॉडल में है। इंजन मॉडल वाली अगर आप लेते हैं तो उसमें होंडा का इंजन आएगा साथ में लगा हुआ, वो 48,000 का है। और अगर आप इलेक्ट्रिक लेते हैं तो वो 33,000 का मॉडल है। सैंडविच ग्रिलर की काफ़ी बड़ी रेंज है हमारे पास। गैस में भी ग्रिलर अवेलेबल हैं। अगर आप किसी कार्ट पे या किसी ठेले से काम कर रहे हैं और अगर आप रेस्टोरेंट या किसी कैफे से काम कर रहे हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिक में भी काफ़ी बड़ी रेंज है ग्रिलर की। अगर आपको एक बारी में 4 ग्रिलर बनाने हैं, सैंडविच बनाने हैं इस ग्रिलर से, या 8 सैंडविचेस बनाने हैं आपको, 12 सैंडविचेस बनाने हैं, हमारे पास एट ए टाइम 12 सैंडविचेस की मशीन रेडी है। क्या प्राइस से स्टार्ट? हमारे यहाँ 6,000 से प्राइसिंग में इंपोर्टेड मशीन चालू हो जाएगी और अगर आप ऑर्डिनरी पे आएंगे तो 5,000 से मशीन चालू हो जाएगी। ये गैस की मशीन है, ये 5,000 से चालू हो जाएगी। इलेक्ट्रिक कढ़ाई, गैस की बचत करना चाहते हैं अगर तो इलेक्ट्रिक कढ़ाई इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रिक्स में आपका जो बिजली है वो काफ़ी कम लगेगी गैस के कंपैरिजन में। इसका मात्र अगर आप 1 घंटा इस्तेमाल करते हैं इसको तो ये 0.5 यूनिट बिजली खाती है सिर्फ। और इसमें आपका काम काफ़ी किफ़ायती हो जाएगा, चाहे आपको पकोड़े तलने हो, चाहे आपको फ्रेंच फ्राइज तलने हो, चाहे किसी भी तरीके की आलू की टिक्की तलनी हो, आपके सारे काम इसमें हो जाएंगे। ये मात्र 7,000 रुपये की इलेक्ट्रिक कढ़ाई है। इसमें आप अपना धंधा चालू कर सकते हो। इसका बड़ा मॉडल आएगा, ये 25 लीटर का मॉडल आएगा इसका। 25 लीटर की इलेक्ट्रिक कढ़ाई हमारी आ जाएगी 19,000 रुपये की। हाँ जी, क्या कैसे तली जा सकती है? इसमें हर तरीके का समोसा, कचौड़ी, ब्रेड पकोड़ा, नाश्ते के जितने भी आइटम रहते हैं, जो फ्राइड वाले रहते हैं,
वो सारे के सारी चीज़ें आप इसके अंदर तल सकते हैं। और गैस से बहुत ज़्यादा बचत है, काफ़ी जगहों पे जितने भी मेस हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ वाले जितनी भी कैंटीन्स हैं, सब जगह पे गैस का उपयोग कम करके और इलेक्ट्रिक में शिफ्ट हो रहे हैं। क्या प्राइस में बताइए आपने? ये 19,000 रुपए की मशीन है। जैसे ये एसी मशीन अगर मार्केट से खरीदने जाएंगे तो कितने पड़े? ये अगर आप मशीन मार्केट से इंडिया मार्ट से मुंबई से या दिल्ली से लेके आते हैं तो 25,000 से 30,000 रुपए कॉस्टिंग है इसकी। तो गुड़िया बनाने के बाल की मशीन है, इसको इंग्लिश में शुगर कैंडी मशीन कहा जाता है। ये सिर्फ 7,000 रुपए की मशीन है और इससे आप किसी भी मेले में, किसी भी जगह पे, ठेले पे या किसी भी दुकान के बाहर अपने काट लगा सकते हैं और इससे आप रोजाना 1,000 रुपए कमा सकते हैं। और मशीन लेने के बाद कितना खर्चा और आता है इसको चलाने में? उसको कोई भी खर्चा नहीं है, सिर्फ शक्कर लेनी पड़ती है और काम चालू हो जाता है। शक्कर और जो कलर रहता है एसेंस, उसको गुलाबी करने के लिए शक्कर को, बस और कोई भी खर्चा नहीं है इस मशीन के बाद। सिर्फ 7,000 रुपए की मशीन है। ये मार्केट में लेने जाती है तो 10,500 की मशीन है, यही मार्केट में मशीन है। इसमें आप चिली काट सकते हैं, प्याज काट सकते हैं और मेनली ये मशीन जो हमारे दोस्त यार रेस्टोरेंट चला रहे हैं चाइनीज का, जैसे आजकल मोमोज काफी ज्यादा ट्रेंड में है, मोमोज में पत्ता गोभी वगैरह, गाजर और प्याज, इन तीन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तो उसको कटिंग करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप मिनटों में घंटों का काम कर सकते हैं इसमें। क्या प्राइसिंग जो है? ये सिर्फ 9,500 रुपए की मशीन है। इसमें एक एचपी की मोटर है, एक साल की मोटर की वारंटी है मशीन की, और आप इसमें जितना चाहें उतना पत्ता गोभी इसमें आप काट सकते हैं, जो आप हाथ से नहीं कर पाएंगे या अपने लेबर से नहीं करवा पाएंगे। ये ग्रेवी मशीन है, ये किसी भी केटरिंग में, किसी भी शादी ब्याह में जब ज़्यादा ग्रेवी का इस्तेमाल किया जाता है या किसी रेस्टोरेंट में डेली बेसिस पे जब ग्रेवी बनी जाती है तो मिक्सर की उतनी क्षमता नहीं होती है कि वो उसको पीस पाए। ये 2 हॉर्स पावर और 3 हॉर्स पावर इसके दो मॉडल आते हैं ग्रेवी मशीन के। ये 11,000 और 15,000 रुपये का मॉडल होता है। इसमें भी एक साल की मोटर की वारंटी रहती है। इसमें 5 जालियाँ आती हैं, साइड में पकड़ने के हैंडल आते हैं और नीचे ताकि ग्रेवी आपकी सही तरीके से जा पाए उसकी एक प्लेट आएगी। इस मशीन से लोग बाग अपने यहाँ पर किराए पे भी इस मशीन को चलाते हैं, तो 1,000 रुपये एक दिन का किराया मिल जाता है इस मशीन से। सिर्फ 15,000 की मशीन है अगर आप बड़ा साइज की लेते हैं तो। ये कोल्ड जूस डिस्पेंसर है, इसमें आप किसी भी तरीके का मॉकटेल स्लश ठंडा करने के लिए रख सकते हैं। इसकी 16-16 लीटर कैपेसिटी का एक पॉट रहता है और इसमें कोई भी आप जूस किसी भी तरीके का आप इसके अंदर सोडा डाल के और इसको ठंडा रख सकते हैं, चाहे कोल्ड कॉफ़ी वगैरह हो गई इसको डाल के आप ठंडा कर सकते हैं। ये 22,000 रुपये का आता है। ये अगर आपको 3 पार्टीशन में चाहिए तो वो 30,000 रुपये का आएगा। ये अगर आप मार्केट में ले जाएंगे तो 35,000 रुपये से चालू है। ये बाज़ार में सेकेंड हैंड डीप फ्रीज़र लेने से बेहतर है आप नया डीप फ्रीज़र लें। ये वेस्टर्न कंपनी का मेड इन इंडिया का 300 लीटर का डीप फ्रीज़र है हमारे यहाँ। 22,000 रुपये से चालू होती है इसकी रेंज और हमारे यहाँ 800 लीटर तक डीप फ्रीज़र है, 55,000 तक की रेंज आती है। वो एक किसी भी छोटे रेस्टोरेंट के लिए, कैफ़े के लिए, बार के लिए या बेकरी के लिए एक सफिशियंट साइज़ है जो कि 22,000 में उपलब्ध है। 4 साल की इसमें वारंटी मिलती है पूरी मशीन की आपको, चाहे कंप्रेसर हो, चाहे कोई भी इलेक्ट्रिकल इसका सप्लाई का पार्ट हो, चाहे किसी भी तरीके की इसके अंदर सर्विस की नीड हो, बंदा हमारा मात्र 24 घंटे में आपके पास पहुंच जाएगा। ये 29,550 इसकी MRP है और बाजार में 26,000 से 27,000 के बीच में ये बिक रही है। इडली और डोसे के बैटर के लिए बंदा बहुत परेशान होता है, बाहर पिसवाने जाता है। आप चाहें तो अपने रेस्टोरेंट में खुद सारी चीज़ें पीस सकते हैं। 2 लीटर का ये वेट ग्राइंडर है, सिर्फ 7,000 कीमत है इसकी। इसमें 3 लीटर का साइज भी आएगा, 5 लीटर का भी मिल जाएगा, 7 लीटर का भी मिल जाएगा और 10 लीटर का भी मिल जाएगा। ये अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे, पहली बात तो ये कोयम्बटूर की मशीन है, ये मिलना बड़ा मुश्किल होता है, पर अगर बहरहाल किसी के पास होगी भी तो 10 से 11,000 रुपये इसकी कीमत है। ये आटा गूंदने की मशीन है,
5 किलो की मशीन है, किसी भी छोटे रेस्टोरेंट, किसी भी छोटे कैफे के लिए, जहां पर पिज्जा का काम होता हो, समोसे का काम होता हो, किसी भी जगह पे जहां रोटी का काम होता हो, उसमें आटा गूंदने में आपको मदद मिल जाएगी, किसी लड़के की जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीन अपना काम खुद कर लेगी। हमारे यहाँ 5 किलो की मशीन 15,000 से चालू है और 30 किलो की मशीन 38,000 रुपए तक है। पिज्जा को निकालने के लिए अवन में से काम आते हैं, ये हर साइज में आते हैं, इसको पिज्जा लिफ्टर कहा जाता है। ये 150 रुपए से लेके 350 रुपए तक के लिफ्टर्स होते हैं, अलग अलग अवन में काम में आने के लिए। इससे सैंडविच भी उठाया जा सकता है, इससे आप वड़ा पाव या बर्गर भी तवे से उठा सकते हैं। 150 से लेके 350 रुपए तक इसका प्राइसिंग रहता है। ये जो चम्मच दिखाई दे रही है क्या प्राइसिंग? ये जो करछियां हैं ये तो चटनी वगैरह के इस्तेमाल में आती हैं, 25 रुपए से लेके चालू हो जाती हैं ये। हमारे यहाँ सब तरीके की आपको शेफ की ड्रेसेस अवेलेबल हैं, चाहे आप कोट लेने आए, चाहे आप शेफ की पैंट लेने आए, चाहे आपको शर्ट चाहिए हो रेडीमेड, चाहे आपको टी शर्ट चाहिए हो या चाहे आपको कैप चाहिए हो, आपको मार्केट में भटकने की जरूरत नहीं है। 250 रुपए से शेफ का कोट, 150 रुपए से शर्ट और 150 रुपए से टी शर्ट चालू है हमारे यहाँ। ये क्या चीज़ें? ये रोटी की सर्व करने की बास्केट्स हैं, ये अलग अलग प्रकार से आती हैं, 100 रुपए से लेके 450 रुपए तक की रेंज में है हमारे पास ये रोटी बास्केट। ये प्योर पॉलीकार्बोनेट की बास्केट्स रहती हैं, टूटती नहीं है ये, ना ही इनमें ऑयल से कोई निशान आते हैं। गिफ्टिंग पर्पस में भी ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, शादी ब्याह वाले समय पे गिफ्टिंग रेंज में भी काफी काम आ जाती है। इलेक्ट्रिक सेव बनाने की मशीन है, ये 7 इंच की मशीन है 18,500 रुपए की, और इसमें एक बड़ा साइज आता है 9 इंच का, वो आता है 20,500 का। इसमें आप सेव बना के और अपना व्यापार चालू कर सकते हैं। 10 तरीके की जाली आएंगी इसमें, किसी भी तरीके का गाठिया बनाना है आपको, किसी तरह का लॉन्ग सेव बनाना है, रतलामी सेव बनाना है, हर तरीके के सेव बना सकती है। एक दिन में कितना बना देती है? एक दिन का नहीं, एक घंटे का 60 किलो का कंजम्पशन रहता है इसका, ये एक घंटे में 60 किलो बना देती है। एल्युमिनियम का इडली और ढोकला बनाने का साचा है, रेस्टोरेंट में जैसे बड़े इडली साचे की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारे यहाँ 36 इडली से लेके 300 इडली तक का साचा उपलब्ध रहता है। क्या रेंज का? हर समय पे 3,000 रुपए से चालू होता है, 18,000 रुपए तक का साचा मिल जाएगा आपको। इसमें आप ढोकला भी बना सकते हैं, इसमें आप मिनी इडली भी बना सकते हैं, और इसमें आप साउथ की एक मेनली प्रसिद्ध तत्ते इडली होती है जो इतने बड़े साइज की रहती है, लगभग मेरे हाथ के बराबर साइज की, तो ये इडली भी बनाई जा सकती है। मैं आपको उसका साचा दिखा सकता हूँ अभी, किस तरीके का होता है जो उसका साचा बना जाता है, वो इस तरीके का होता है। ये नई तरीके की आजकल इडली चल रही है इतनी बड़ी, तो ये इडली भी आप इस साचे के अंदर बना सकते हैं। आपको अलग अलग साचे लेने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अलग अलग प्लेट्स लेने की जरूरत है। किसी भी तरीके की क्यू मैनेज करने के लिए, इसको क्यू मैनेजर कहा जाता है। ये आपने हर प्रसिद्ध बड़े होटल्स में, एयरपोर्ट्स में, रेस्टोरेंट्स में, बैंक्वेट्स में, कहीं किसी सरकारी दफ्तर प्रोग्राम में आपने देखे होंगे, तो कई लोगों को पता नहीं होता कि ये चीज़ मिलती कहाँ है। ये हमारे पास यहाँ बैरागढ़ में उपलब्ध है क्यू मैनेजर। ये 2 पीस का जो सेट होता है, इसकी 6 फिट की रोप होती है, ये 3500 रुपये का सेट आता है 2 पीस का। आप जितना भी चाहें आप ले सकते हैं। एक ये स्टील में इसका एक रूप आता है, इसमें 6 फिट वाला और 10 फिट वाला, ये बेल्ट मॉडल कहलाया जाता है और ये रोप मॉडल कहलाया जाता है। तो जहाँ पर बेल्ट मॉडल की ज़रूरत हो वहाँ बेल्ट मॉडल, और जहाँ रोप मॉडल की ज़रूरत हो वहाँ रोप मॉडल आप लगा सकते हैं। ये छोटी सी पिस्ता कटर मशीन है। आप बाज़ार में जाएंगे अगर पिस्ता का कतरन लेने के लिए, तो आपको मूंगफली के दाने के कतरन दे देंगे रंग लगाकर। आप अपने घर में खुद काजू का कतरन, पिस्ता का कतरन, बादाम का कतरन इसके अंदर कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें मोटर भी फिट कर सकते हैं, इसमें बेल्ट लगाने की जगह भी है। ये छोटी सी मशीन मात्र 1500 रुपये की है और ये आपके बहुत काम की चीज़ है। यहीं आप आ जाएं, ये इलेक्ट्रिक मोमोज स्टीमर है। सिर्फ मोमोज नहीं, आप इसके अंदर स्वीट कॉर्न, किसी भी तरीके का पीनट, छोले, आप इडली, कोई भी चीज़ जो स्टीम होती है वो आप इसको बना सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिक आइटम है तो आपको कन्वीनियंट रहेगा कहीं पर भी रख के इस्तेमाल करने के लिए। ये 4250 रुपये से इसकी कीमत चालू होती है, इसके अलग अलग साइजेज आते हैं। मोमोज बनाता है तो इससे कितने रुपये कमा सकता है? एक दिन में आप मोमोज अगर
बेच रहे हैं तो मिनिमम 1000 से 1500 रुपए आप कमा सकते हैं सिर्फ एक 4250 का आइटम लेके। अच्छा, स्टीम मोमो कितने से स्टार्ट होते हैं? स्टीम मोमोज जो मशीन है हमारे यहाँ पे, या स्टीमर बोला जाए उसको, एल्युमिनियम का अगर आप लेते हैं तो हमारे यहाँ 800 रुपए से चालू है। 800 रुपए में से अगर कोई स्टार्ट व्यापार स्टार्ट हो सकता है क्या? बिल्कुल, 800 रुपए से आदमी व्यापार स्टार्ट कर सकता है और महीने भर में कम से कम 15 से 20 हजार कमा सकता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, हमारे यहाँ रेट, क्वालिटी और चीज़ों की, हर तरीके की चीज़ों की उपलब्धता है यहाँ पे, एक ही छत के नीचे आपको सारा सामान मिल जाएगा आपकी ज़रूरत का। धन्यवाद। आशा करते हैं वीपी मार्केटिंग की वैरायटी आपको पसंद आई होगी और आप भी शॉप पर विजिट करना चाहेंगे तो आपकी सुविधा के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं, जल्दी शॉप पर विजिट कीजिए और अपने व्यापार की शुरुआत कीजिए।